जैन दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूल 360। मैं हूं अभिषेक, आपका फिटनेस कोच, और आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़रूरी टॉपिक यानी बैक पेन के बारे में। बैक पेन किसी भी कारण हो सकता है, चाहे वो जिम में हैवी वर्कआउट हो या फिर पूरा दिन बैठ के कंप्यूटर पर काम करना हो, बॉडी में स्टिफनेस हो या फिर कोई पुराना बैक पेन हो। तो उस बैक पेन से रिलेटेड जितना भी वर्कआउट होता है, 6 या 7 वर्कआउट है, 6 या 7 अपने योगा पोजेज हैं जो मैं आपको बताऊँगा, जो अच्छे से अपन परफॉर्म करेंगे के लिए मैं गारंटी लेता हूँ विद इन अ वीक आपका 50% इम्प्रूवमेंट एक वीक के अंदर ही हो जाएगा। अगर वीक में आप 3 या 4 दिन भी परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उन पोजेस से, और अगर इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो धीरे धीरे हो सकता है आप इसमें पूरा इम्प्रूव कर सकें। तो आइए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज फॉर बैक पेन रिलीफ। बैक पेन रिलीफ की फर्स्ट एक्सरसाइज में अपना आता है कैमल पोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायमंड पोज यानी वज्रासन में आपको बैठना है। आपको पहले भी बताया था मैंने, वज्रासन पर बैठने के लिए नीज को बैंड करके लेग्स आपके स्ट्रेट रखना है, राइट। आपके लेग्स एकदम स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है, आपके पंजे उठे हुए नहीं रहेंगे, डायमंड पोज में स्ट्रेट रहेंगे, राइट। अब इसमें से आपको शिफ्ट करना है आपका कैमल पोज। कैमल पोज को कैसे आपको परफॉर्म करना है, नीज पे खड़े होंगे आप, आपका टोज बैंड करेंगे और आपकी पहले एड़ियों को आप पकड़ेंगे, हील्स को, ठीक है, और आपका कोर एंड चेस्ट बाहर की तरफ आप पुश करेंगे, राइट। एंड दिस वन, सो गाइस जितना हो सकता है उतना आप स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ। हो सकता है ज़्यादा देर ना हो, 30 सेकेंड एनफ है आपके लिए स्टार्टिंग में, 30 सेकेंड का 2 टाइम। और कई लोगों से ये भी परफॉर्म नहीं होता है, उसके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। इसी पोजीशन में अगर आपसे हाथ ना पकड़े जा रहे हों अपनी एड़ियों से, तो आपको अपने हाथ अपनी बैक पे रखने हैं और सेम पोस्चर, ठीक है, जितना हो सके उतना स्ट्रेच। तो गाइज ये तो हो गई अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कैमल पोज, ठीक है, इसको कैसे परफॉर्म करना है मैंने आपको बताया। तो गाइज इस पोज को 2 बार या 3 बार परफॉर्म करना है, मैक्सिमम 30 सेकंड्स तक, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर पेन ज़्यादा हो तो जितना आपका बॉडी अलाउ कर रहा है उतनी देर तक रखना है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पोज कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब परफॉर्म करेंगे हम हमारी सेकंड एक्सरसाइज जिसका नाम है कैट काउ यानी मर्जरी आसन, ठीक है। कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको बताता हूँ। आपका एंगल, आपके हाथों के पंजे शोल्डर के नीचे, राइट। अब पहले आपको आपकी बैक को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, गर्दन नीचे, बैक स्ट्रेच पूरा, एंड होल्ड के बाद आपका हिप्स एंड चेस्ट अप, गर्दन भी ऊपर रहेगी, राइट। ये आपको 5-5 सेकंड का होल्ड करके फिर चेंज करना है। ये जो आसन है आपको 10 टाइम रिपीट करना है, 5 टाइम अप 5 टाइम डाउन, और अप और डाउन के बीच में 10 सेकंड का होल्ड रहेगा ताकि आपका बैक स्ट्रेच हो सके, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों अब करेंगे हम हमारी थर्ड एक्सरसाइज जिसका नाम है डोंकी किक। बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बस इसको अच्छे से आपको परफॉर्म करना है, वो मैं आपको बताता हूँ परफॉर्म कैसे करेंगे। आपका पहले वाली पोजीशन में आपको बैठना है, राइट, ठीक है। अब आपके नीज को चेस्ट की तरफ पहले उठाएंगे एंड देन किक अप। गाइस इस किक को जितना ऊपर करेंगे उतना अच्छा आपका हिट आएगा बैक पे, ओके। इसको केवल सीधा स्ट्रेच नहीं करना है, इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच, ठीक है, जितना ऊपर होगा उतना अच्छा आपका बैक हिट होगा, और आपकी गर्दन को और चेस्ट को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, राइट। लेग चेंज करेंगे,
दोस्तों ये पोज हमको 10 टाइम ईच साइड करना है, मतलब एक किक से आपको 10 टू 15 रिपीटेशन करना है, देन किक आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी फोर्थ एक्सरसाइज, जिसका नाम है कोबरा पोज, यानी कि भुजंग आसन। इसको कैसे परफॉर्म करना है, इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको पूरा चेस्ट के साइड लेटना है, लेग स्प्रेड रहेगा, आपके हैंड्स चेस्ट पे, राइट, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, बस चेस्ट के पास रखेंगे, स्ट्रेट नेक स्ट्रेट एंड अप। ऊपर की साइड देखेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं देखेंगे, हो सकता है आपके नेक में पेन हो जाए, तो जस्ट अप और होल्ड रखेंगे इस पोजीशन में, राइट। तो दोस्तों भुजंग आसन को आपको 3 टाइम परफॉर्म करना है और हर टाइम में 30-45 सेकंड आपको होल्ड रखना है। तो ये हमारा फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चार एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी पांचवी एक्सरसाइज, जिसका नाम है हाइपर एक्सटेंशन, जो मैंने बैक के वर्कआउट में भी आपको कराया था, ताकि आपका लोअर बैक स्ट्रांग हो। कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों चेस्ट के सपोर्ट से आपको लेटना है, ठीक है, और हैंड स्ट्रेट रहेंगे आपके, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। एक सुपरमैन पोज भी होता है जो ऐसे परफॉर्म करते हैं लोग, ठीक है, लेग्स एंड हैंड्स, इसको परफॉर्म नहीं करना हमें, हमारा लेग फ्लोर पे ही टच रहेगा। हाइपर एक्सटेंशन में केवल अपर बॉडी आपका मूव होता है, राइट। तो लेग्स आपका फ्लोर पे टच रहेगा, हैंड स्ट्रेट एंड अप डाउन, जितना पॉसिबल हो उतना ऊपर जाइए। तो दोस्तों हाइपर एक्सटेंशन को हमें स्लो और बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है, इसमें फास्ट रिपीटेशन नहीं करना। अब थोड़ा सा होल्ड एंड डाउन, इसको 10 टाइम आपको रिपीट करना है बहुत आराम से। यहाँ पर हमारा हाइपर एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब हम परफॉर्म करेंगे हमारी सिक्स्थ एक्सरसाइज, जिसका नाम है हिप ओपनर। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके लेग्स को, ग्लूट्स को और बैक को, तीनों को बहुत अच्छा स्ट्रेच देगी। कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको अपने पैरों के पंजों पे खड़ा होना है, राइट, एंड राइट लेग आपके राइट हैंड के आगे, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप एंड बैक डाउन, ये पोजीशन आपका रहेगा। आपका पैर का पंजा हाथों के पंजों के आगे, कोशिश करें आगे रहे, ठीक है, जितना आगे होगा उतना अच्छा स्ट्रेच आपका आएगा अच्छे से। एंड चेंज करेंगे, तो ये एक्सरसाइज हमको टोटल 10 टाइम परफॉर्म करनी है, 5 टाइम राइट लेग एंड 5 टाइम लेफ्ट हैंड, 30 या फिर 20 सेकंड का होल्ड रखेंगे आप, जितनी देर आप कंफर्ट जोन में रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारी हिप ओपनर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अब हम शुरू करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज, जिसका नाम है अर्ध पवन मुक्त आसना, यानी कि वन लेग वाइंड लीफ पोज। ओके, कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके सर्वाइकल के लिए और आपके बैक के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको फ्रंट फेस से लेटना है आपके बैक के सपोर्ट में, राइट, स्ट्रेट लेटेंगे एंड अपना एक लेग अप करेंगे और अपने हाथों से स्ट्रेच करेंगे और आपका फोरहेड आपके नीज पर टच होगा। एंड लेग चेंज, ये भी एक्सरसाइज आपको सेम परफॉर्म करनी है 10 टाइम ईच साइड। ओके, सेम 10 टू 20 सेकंड का होल्ड रहेगा इसमें और बहुत ही स्लो परफॉर्म करनी है और इसमें फोकस रखना है आपका फोरहेड आपके नीज के जितना क्लोज रहेगा उतना अच्छा आपका सर्वाइकल स्ट्रेच होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज
कंप्लीट होती है। तो दोस्तों अब हम परफॉर्म करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है पूर्ण पवनामुक्त आसना, जो कि लास्ट जो एक्सरसाइज हमने की थी उसी का एक अगला पार्ट है। ठीक है, कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सेम पोजीशन में आपको लेटना है आपके बैक के सपोर्ट में, ठीक है, एंड स्ट्रेच करके दोनों लेग्स अप करेंगे और दोनों लेग्स को आप होल्ड करेंगे अच्छे से, राइट, एंड अपना फोरहेड टच करने का ट्राई करेंगे एंड देन आपको रोल करना है, राइट। तो ये रोलिंग एक्सरसाइज आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा मसाज है, इसको परफॉर्म करते टाइम आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो इसे आराम से परफॉर्म करना है, 20-30 सेकंड्स तक आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूर्ण पवनामुक्त आसन कंप्लीट होता है। तो गाइज अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज जिसका नाम है सेतुबंध आसना, यानी कि ब्रिज पोज। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको देगी आपके बैक के लिए और एक बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, राइट। तो कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके, आपको आपकी बैक की सपोर्ट से लेटना है एंड नीज आपका बैंड रहेगा, ठीक है। अगर आपके हाथों से आपके पैरों को आप पकड़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप अपने हाथों को नीचे फ्लोर पर भी रख सकते हैं, राइट। तो आपके पैरों को पकड़ा आपने एंड आपका कोर लिफ्ट आपको करना है जितना ऊपर आप कर सकते हैं। कोशिश करना आपका चेस्ट आपके चिन पर टच हो जाए, राइट। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको टोटल 5 टाइम परफॉर्म करना है जिसका टाइम ड्यूरेशन 30 सेकंड रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सेतुबंध आसना कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स हमारी लास्ट एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है मरकट आसन, यानी मंकी स्पाइनल ट्विस्ट, ठीक है। कैसे परफॉर्म करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों बैक के सपोर्ट में आपको लेटना है, ठीक है, हैंड्स आपके स्ट्रेट रहेंगे और जो नीज बैंड रहेंगे उसमें गैप रहेगा, राइट। गैप करके और आपका नेक आपके लेग्स के अपोजिट साइड ट्विस्ट करेगा, ठीक है। अगर आपका लेग्स राइट है तो आपका नेक लेफ्ट साइड रहेगा और कोशिश करेंगे जितना आप नीचे तक कर सकते हैं। एंड चेंज, दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप थोड़ा जल्दी जल्दी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। केवल 5 सेकंड का होल्ड रहेगा एक साइड और इसकी रिपीटेशन रेंज थोड़ी ज़्यादा होगी, आप 20-30 टाइम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक अच्छी एक्सरसाइज है आपके स्पाइनल कोर्ड को स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है। तो इसको 20-30 टाइम अपन परफॉर्म कर सकते हैं और 5 सेकंड का होल्ड रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बैक पेन से रिलेटेड जो भी वर्कआउट था, जो भी एक्सरसाइज थी, हमने कंप्लीट करी है। टोटल 10 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई है जो कि आपके बैक पेन को ना ही सही करेगी साथ के साथ आपकी लोअर बैक को इतना स्ट्रॉन्ग करेगी जिससे आप आगे फ्यूचर में भी अपनी इंजरी से बच सकते हैं। तो इसको आप रेगुलर भी परफॉर्म करते रहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इसे परफॉर्म करोगे उतना ज़्यादा आपका लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होगा और आप इंजरी से बच सकेंगे। तो गाइस उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। जिसको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करो और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जो भी क्वेरीज आपकी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा। तब तक के लिए अपन मिलते हैं गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद।